स्टॉक्स को लेके आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चरल मूव्स हैं इन काउंटर्स में। जो पोजिशनल के लिए लिया है वो इंडिया बुल रियल एस्टेट। अब ये सही मायनों में तो इंडिया बुल नहीं रहा है, बट अभी कुछ फॉर्मल अप्रूवल्स और चीजें पेंडिंग है, तो ये कहना सही नहीं होगा। लेकिन ये पॉसिबली कुछ समय में, कुछ हफ्ते में आपको ये कंपनी का नाम एम्बेसी रियल एस्टेट या ऐसा कुछ नाम हो जाएगा। सो आप उस हिसाब से इस कंपनी को एवेल्युएट कीजिए। अनिल जी, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा कि पिछले कई महीने से बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया हमने शो पे, एसपीएल पे, की रियल एस्टेट स्टॉक्स पे। और आपको ध्यान होगा प्रेस्टीज, जो कल अच्छा एक मूव दिखाया हमने, काफी बार रिकमेंड किया, कोल्टे पाटिल, यू नो, हम इस सेक्टर में आई थिंक टाइमिंगली बता पाए दर्शकों को। और उसी उसी में अब जो स्टॉक्स और अच्छे लग रहे हैं उसमें इंडिया बुल रियल एस्टेट डेफिनेटली इन लेवल्स पे बहुत अच्छा लगता है। अब एम्बेसी की कंपनी हो जाएगी, एम्बेसी जैसे प्रेस्टीज बैंगलोर में बहुत अच्छी कंपनी है, एम्बेसी बैंगलोर में बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उसका। और अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट्स इंप्रूव हुए हैं, जो इनके नेट सरप्लस होते हैं, जो बेसिकली अनसोल्ड प्लस जो कलेक्शन होता है और माइनस जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, वो नंबर बहुत शार्पली इंक्रीज हुआ है। और एम्बेसी अब इसको और आगे बढ़ाएगा, ब्लैकस्टोन भी इसमें प्रमोटर रहेगा। सो आई थिंक नेट नेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट स्टोरी है आने वाले समय में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से बिल्कुल डबल हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ, पोजिशनल अगर लेवल पे लूँ तो इसी साल प्रॉबेबली 3-6 महीने के अंदर ही, दिवाली के आसपास प्रॉबेबली आपको ये स्टॉक 200 के स्तर क्रॉस करता हुआ दिखना चाहिए।